हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज की डेली मैसेजेस क्या है आप सबके लिए एंड ऑल्सो आज यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। बट याद रखना, ये रीडिंग एक बहुत ही जनरलाइज्ड रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट एंड इस रीडिंग के एंड में हम लोग चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग, सिचुएशन एंड इमोशंस क्या है, एंड वो भी एक जनरल पार्ट होगा इस रीडिंग का। सो यस, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। सो पहला एनर्जी जो मुझे आज दिख रहा है आपके डेली मैसेजेस के लिए कलेक्टिव इज़ अ लॉट ऑफ यू आर फाइनली लेटिंग गो ऑफ समथिंग एंड आई फील लाइक ये किसी का एक्सपेक्टेशन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। लाइक आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसे आप लेट गो कर रहे हो। लाइक आप किसी चीज़ को अपने लाइफ में अब फोर्स नहीं कर रहे हो। सो ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, ये कोई पुराना हैबिट हो सकता है, कोई जॉब, एनीथिंग जो आपके लिए अब और वर्कआउट नहीं कर रहा है, यू आर काइंड ऑफ लेटिंग दैट फाइनली गो। सो टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग विथ यू, बिकॉज ये कुछ भी हो सकता है। फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ मैरिज या दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप जो अब आपके लिए सही नहीं है। ओके, एंड आई ऑल्सो फील लाइक दिस कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन विद अ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पेशली पाइसिस, स्कॉर्पियो या फिर लिब्रा, जेमिनी या स्कॉर्पियो। यस, ऑल्सो लियो, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ साइंस है। इवन इफ ये ज़रूरी नहीं है रेजोनेट करना, बट ये कुछ साइंस है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है दैट जो आपके लिए फ़िलहाल आज के दिन थोड़ा सा स्ट्रेस लेके आ रहे हैं, या इन साइंस के साथ आपका आज का जो है काइंड ऑफ आप मैच नहीं कर रहे हो, काइंड ऑफ आप इन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हो, या आपकी एनर्जी और इन लोगों की एनर्जी काइंड ऑफ सेम पेज पे नहीं है। आई ऑल्सो फील लाइक देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ रियलिटी या किसी टाइप का सच्चाई या किसी टाइप का इंफॉर्मेशन जो फाइनली बाहर आ रहा है, जो फाइनली सबके सामने आ रहा है, एंड यू गाइज आर काइंड ऑफ सीइंग द रियलिटी फॉर व्हाट इट इज़। आई थिंक ये कुछ लोगों के बारे में है दैट आप लोग रियलाइज कर पा रहे हो कि ये लोग कैसे थे। किसी ने आपके पीठ पीछे कुछ कहा था या किसी ने आपको सपोर्ट किया था, जो भी सच था। आई ऑल्सो फील लाइक इफ़ देर वॉज समथिंग लाइक लाइंग, चीटिंग, उसका कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आज आप रिसीव करोगे थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज। सो आज आप एक टेक्स्ट मैसेज फॉर सम ऑफ यू रिसीव करोगे अपने फ्रेंड के थ्रू, या किसी फ्रेंड के बारे में, या किसी रिलेशनशिप के बारे में, या अपने पार्टनर से, जो आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जो आपके लिए काफ़ी सारा सच्चाई सामने लेके आएगा, या आपको किसी टाइप का डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। आई ऑल्सो फील लाइक देर इज़ अ स्कॉर्पियो जो आपसे रीच आउट करना चाहते हैं, देर इज़ अ स्कॉर्पियो जो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं। नाउ जब मैं कनेक्शन कहूँ, इट डजेंट ऑलवेज मीन कि इट हैज़ टू बी अ रिलेशनशिप और लाइक अ रोमांटिक कनेक्शन। कनेक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, कनेक्शन कैन बी अ फ्रेंडशिप, इट कैन बी अ फैमिली मेम्बर के साथ आपका सिचुएशन, बट देर इज़ अ स्कॉर्पियो जो कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, बट ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ये पर्सन लाइक आई एम ऑल्सो हियरिंग देर इज़ अ स्कॉर्पियो जो मे बी आपके लाइक अगर ये कोई रोमांटिक सिचुएशन है, ये स्कॉर्पियो आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, ये स्कॉर्पियो आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा फैमिली फ्यूचर लाइक हस्बैंड या वाइफ वाला रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं, या यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ चिल्ड्रन चाहते हैं इन दिस लाइफ टाइम। नाउ
आई डोंट नो कि स्कॉर्पियो के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, बट मे बी स्कॉर्पियो है, मे बी नहीं भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट देर इज़ समबडी जिसके साथ आपका पास्ट थोड़ा सा अप एंड डाउन से भरा हुआ था। ये कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसके साथ आपका कुछ ट्रॉमा है, या कुछ झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट है जो सालों से चलता आ रहा है, या आप लोगों का रिलेशन स्मूथ नहीं है, आप लोगों का रिलेशन बहुत डिफ़िकल्ट टाइप का रिलेशन है जहाँ पे जलसी है, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा झमेला है, सब कुछ है। सो आई फील लाइक दिस इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ आप दोनों को एक दोबारा चांस, एक दोबारा मौका दे रहे हैं कि आप चीज़ों को सही करें या आप चीज़ों को रिजॉल्व कर लें एक दूसरे के साथ। आप किसी चीज़ को एक एंडिंग समझ रहे हो, अगर ये किसी जेमिनी के साथ है स्पेशली, डजंट हैव टू बी, बट ये जो एंडिंग आप जिसे एंडिंग समझ रहे हो, ये एक्चुअली एक नई शुरुआत है, ये एक्चुअली एक नया बिगिनिंग है। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज शोइंग मी कि ये एक नई शुरुआत है, दिस इज़ समथिंग जो आपके लिए नया है। देर इज़ अ न्यू साइकिल, देर इज़ अ न्यू स्टोरी, देर इज़ अ न्यू पर्सन जो इस एंडिंग के बाद आपके लाइफ में आएंगे, या जिसे आप एंडिंग समझ रहे हो उसके बाद। आई कैन टेल यू दैट यहाँ पे कुछ हीलिंग है किसी फैमिली मेम्बर के साथ जो आज आप रियलाइज़ कर रहे हो, या आप कर रहे हो, या आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एफर्ट डालते हो, या ये पर्सन एफर्ट डालते हैं। देर इज़ अ फादर फिगर, या देर इज़ अ मैस्कुलिन फिगर आपके फैमिली में जिसके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा ट्रॉमेटिक है, थोड़ा सा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आई फील कुछ हीलिंग है जो आप दोनों में बाकी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो क्लियर आउट करना बाकी है। स्पिरिट इज सेइंग इस फैमिली मेम्बर के साथ आपका कोई कार्मिक सिचुएशन है जो इस लाइफ टाइम में आप दोनों क्लियर आउट कर रहे हो ऑलरेडी, मे बी बचपन से ही कर रहे हो। फाइनेंशियली आई सी आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो अपने फाइनेंसेस को लेके, फॉर सम ऑफ यू आई डोंट नो व्हाई, मे बी आपको लग रहा है कि अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो शायद आपके फाइनेंसेस या आपका करियर लाइक प्रॉब्लम में है, या कुछ लोग इस पे नज़र डाल रहे हैं, या कुछ लोग काइंड ऑफ आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो देर इज़ अ फियर विथ योर मनी, मे बी आपका बैंक बैलेंस, मे बी आपके घर प्रॉपर्टी या कैश और वॉट एवर इट इज़, आपका करियर, लाइक आई फील लाइक देर इज़ अ फियर अबाउट लूजिंग इट, और देर इज़ अ फियर ऑफ फेलियर। आपको लग रहा है आप अगर फेल हो गए, अगर आप खो गए, इस आपसे ये सब कुछ खो गया, देन वॉट विल हैपन। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट फियरफुल रह के यू कैनॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, ओके, फियर का सामना करो, चैलेंज अगर है तो उस चैलेंज का सामना करो, बिकॉज पीछे हट के या दूर भाग के यू कैन नेवर सॉल्व अ प्रॉब्लम। There is a family member जो इस बारे में आपको help कर सकते हैं। For some of you, आपके किसी family member से आपका finances बचाना बहुत important है। Maybe ये family member ही है, like दूर का रिश्तेदार या करीब के रिश्तेदार, doesn't matter, but ये person आपके family से है, या family को जानते हैं, family के करीब है, जो आपके जो kind of आपके पैसों को हड़पना चाहते हैं, आई एम हियरिंग, या इन पैसों का कोई गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, या इस पर्सन को किसी टाइप का फ़ायदा चाहिए आपसे या आपके पैसों से। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ समबडी लाइक दिस, यू नो, बट इस पर्सन के पास भी काफ़ी सारा पैसा है, इस पर्सन के पास भी लाइक एक अच्छा लाइफस्टाइल है, बट फिर भी दिस इज़ समबडी हु वांट्स टू सीक योर मनी और योर प्रॉपर्टी और योर एसेट्स, यू नो। सो स्पिरिट इज सेइंग लाइक दिस इज़ अ पर्सन जो मे बी आपको ऑलरेडी पता है, या आपके फादर के साइड के कोई फैमिली मेम्बर या दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील लाइक टुडे इज़ अ डे जब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, एंड वो मंडेन चीज़ें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एंड मंडेन चीज़ों से मेरा मतलब है कि वही रोज़ का आपका काम, आपकी ऑफिस, आपका करियर या पढ़ाई या ऑल दैट
लाइक डेली का रूटीन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मे बी आप थोड़ा सा लेज़ी हो या आपको इन रूटीन से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. सो आई फील लाइक आज कोशिश करो अपने क्रिएटिव साइड को बाहर निकालने की. आज कोशिश करो दैट आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो, आप जितना ओपन हो सकते हो, आपके अंदर न्यू आइडियाज़ क्या है, अगर लाइक फॉर सम ऑफ यू आपके हॉबीज़ क्या है. लाइक आई एम हियरिंग स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर लाइफ. आप बहुत ज़्यादा उलझ गए हो, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में काइंड ऑफ मेस्ड अप हो गए हो, एंड यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू कम आउट ऑफ इट. यूनिवर्स वॉन्ट्स यू कि आप अपने लिए टाइम लो, ग्राउंड करो अपने आप को, अपना हॉबीज़, अपना पर्सनल रिलेशनशिप्स, अपने सोल, माइंड, बॉडी, इन सब चीज़ों का ख्याल रखो थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए. बिकॉज यू आर वेरी वर्कड अप, आप बहुत ज़्यादा वर्कड अप हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ों में फंस गए हो, जो चीज़ें आपके लिए हेल्दी नहीं है या जो चीज़ें आपके लिए लाइक जिन चीज़ों से आपको थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना चाहिए, जिन चीज़ों से आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए. आई फील फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ योर वर्क, लाइक आप वर्क लोड के अंदर काम कर रहे हो. देर इज़ अ लॉट ऑफ लोड, देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर जो आपके टीचर, आपके बॉस, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपकी वाइफ, आपके वॉट एवर से आ रहे हैं, या फिर देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ फाइनेंसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है कुछ, या हाउ एवर वॉट एवर इट इज़, हर किसी के लिए अलग होगा. बट स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू बी मोर क्रिएटिव वेन इट कम्स टू योर डे. आज के दिन अगर आपको मन नहीं कर रहा है टू डू द डेली वर्क, द डेली रूटीन और ये सब, देन इट इज़ ओके. खुद को फोर्स करके कुछ भी करने की आज एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो ट्राई टू मेडिटेट और ट्राई टू डू समथिंग जो आपके एनर्जी को ग्राउंड करता है, जो आपके एनर्जी को स्टेबल बनाता है, जो आपके एनर्जी को हैप्पी बनाता है. चाहे अगर वो अकेला रहना हुआ तो अकेला रहना, अगर वो बाहर जाना तो बाहर जाना, किसी के साथ बात करना या कुछ स्पेशल बना के खाना या अपना फेवरेट टीवी शो देखना, वॉट एवर इट इज़, यू नो, सेल्फ लव काइंड ऑफ अ डे. सो वो करो, आपको बेटर फील होगा. कोई भी स्ट्रेस जो आप ले रहे हो, यूनिवर्स इज सेइंग कि उस स्ट्रेस के उस पार आपका नया साइकिल है, आपका नया यू नो दरवाज़ा है, आपके लिए नया चैप्टर है जो शुरू हो रहा है. सो डोंट बी स्केर्ड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. अगर कोई लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ रहा है, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स आपको देख रहे हैं. यूनिवर्स को पता है आप डरे हुए हो, यूनिवर्स को समझ आता है आप डरे हुए हो, एंड यूनिवर्स हैज़ योर बैक, सो डोंट वरी. लेट अस सी कि आज के लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है. What does this person want to tell you? या क्या feel कर रहे हैं, इनके next actions क्या है. Let us find out. Oh, Five of Wands and the Five of Swords reversed. First of all, ये person like I feel आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं, first of all, या there is a gossip जो चल रहा है इस person के बीच में और उनके किसी बाहर वाले के बीच में, लाइक बाहर वाला इन द सेंस आई एम हियरिंग फ्रेंड्स या कजिन्स या लाइक कोई ऐसा पर्सन जो उनके लाइक बहुत फैमिली ना हो या बहुत बेस्ट फ्रेंड टाइप के करीब ना हो. आई फील लाइक कुछ लोग इनको पूछ रहे हैं आपके बारे में या कुछ लोगों से ये बात कर रहे हैं आपके बारे में. आई फील लाइक ये पर्सन बहुत प्रेशर में है इस कनेक्शन को लेके. दिस इज़ समबडी जिन्हें लगता है कि आप दोनों में एक फ्यूचर पोटेंशियल है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बैलेंस्ड नहीं हो. प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सेम चीज़ सेम टाइम पे नहीं करते हो. लाइक जब आप एक अच्छे एनर्जी में रहते हो, ये पर्सन बुरे एनर्जी में रहते हैं. जब आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, ये पर्सन चीज़ों से भागना चाहते हैं. सो लाइक आप दोनों कभी भी चाह के भी सेम पेज पर नहीं रहते हो, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम. फिलहाल ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या ये पर्सन किसी को बोले हैं आपके ऊपर नज़र रखने के लिए. ओके, हुएवर दैट इज़, बिकॉज आई फील लाइक इस पर्सन, या लाइक
इस पर्सन को किसी टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए, इस पर्सन को किसी टाइप का क्लैरिटी चाहिए, या इस पर्सन को श्योर होना है कि ये पर्सन आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं या जो भी अफवाह सुने हैं, जो भी गॉसिप सुने हैं, क्या वो सच है या झूठ है, बिकॉज मुझे लगता है इस पर्सन को आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है. यस, आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है या कुछ इन्फॉर्मेशन जो ये गैदर किए हैं, एंड जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद इनका डिसीशन बदल गया है या इनका नज़रिया बदल गया है इस कनेक्शन के ऊपर, आपके ऊपर. अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कुछ बुरा इन्होंने सुना है, कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा सुना है, एंड दैट इज़ वॉट ये पर्सन कन्फर्म करना चाहते हैं किसी और के थ्रू. ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए है कॉन्स्टेंटली, आपका सोशल मीडिया, आपका एक्टिविटीज़, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, हुएवर पॉसिबल, वॉट एवर पॉसिबल, या तो डायरेक्टली या तो किसी और के थ्रू. बट आई फील लाइक ये पर्सन अपनी लाइफ में काइंड ऑफ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, इवन इफ ये इन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में फिर से एक नया बिगिनिंग होना या कुछ नया स्टार्ट होना बहुत मुश्किल है. बट ये पर्सन काइंड ऑफ किसी बात का सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ किसी बात का क्लैरिटी या लाइक श्योर होने के लिए रुके हुए हैं. एक बार ये पर्सन श्योर हो जाए आपके बारे में कुछ, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप लेंगे, उसके बाद ये या तो मूव ऑन करेंगे या तो आपके पास आएंगे. वॉट एवर डिसीशन लेना है वो इस क्लैरिटी के बाद लेंगे, किसी टाइप का इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद लेंगे, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि इस पर्सन ने आपके बारे में कुछ तो सुना है. सो आई फील लाइक ये वो लोग रेजोनेट कर पाओगे जिन लोगों के लिए आपके पर्सन का बिहेवियर सडनली चेंज हो गया है, ड्रास्टिकली चेंज हो गया है. लाइक आज कल ये पर्सन अच्छे से बिहेव कर रहे थे, आज ये पर्सन बुरे बिहेव कर रहे हैं, या परसों ये पर्सन अच्छे बिहेव कर बुरे बिहेव कर रहे थे, आज ये पर्सन सडनली अच्छे बिहेव करने लगे हैं. सो इस पर्सन का कोई नज़रिया था जो चेंज हो गया है, एंड वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गया है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द सिचुएशन. सो ये पर्सन जब तक क्लैरिफाई नहीं कर लेते, क्लियर आउट एकदम 100% प्रूफ के साथ नहीं कर लेते कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, आई फील ये पर्सन अपना नेक्स्ट एक्शन नहीं लेंगे, नेक्स्ट डिसीशन नहीं लेंगे. सो लेट अस सी सम चैनल्ड मैसेजेस फॉर दिस पर्सन, जो ये आपसे कहना चाहेंगे आज के दिन. व्हाट वुड दिस पर्सन टेल यू, अगर ये कह पाते तो, ऑफकोर्स अगर ये कह पाते तो, व्हाट वुड दिस पर्सन टेल यू. सो वी हैव द लेटर जे, वी हैव द लेटर जे, वी हैव द लेटर एस, लेट अस फाइंड आउट. वी हैव लीब्रा. I am coming next, meet me halfway. So for some of you, ये person आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, and ये person तभी ये this is a confirmation कि ये person तभी आपको meet करेंगे या तभी आपके तरफ action लेंगे जब इनके पास clarity होगी कि आप भी उतने ही loyal हो या आप भी उतने ही interested हो या आप भी उनके हित में सोच रहे हो. Like you are not somebody जो उनके अगेंस्ट है या जो उनकी एनिमी है और वॉट एवर जो भी अफवाह उन्होंने सुना है बेसिकली. देन आई हैव डोंट लेट योर सेल्फ डाउन हील. सो इस कनेक्शन में एक्चुअली हीलिंग है जो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप लोगों की ट्रस्ट इश्यूज पे आई फील लाइक बहुत एक कार्मिक सिचुएशन है जो आप गो थ्रू कर रहे हो, या ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे जो आप गो थ्रू कर रहे हो. लाइक देयर इज़ अ लॉट जो आपको एक दूसरे से सीखना है, जो अभी भी बाकी है इस कनेक्शन में. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज जो बाकी है, आई एम हियरिंग, यू नो. ओके, सो वी हैव व्हाट इज योर्स विल फाइंड यू. सो दिस इज़ लाइक अ पॉजिटिव कन्फर्मेशन कि जो भी आपका है वो आप तक पहुंच जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी पर्सन, कोई भी मैसेज, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हो. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आई न्यू यू वर द वन व्हेन वी फर्स्ट मेट. सो आई थिंक दिस इज़ लाइक अ फर्स्ट लव, या फिर दिस इज़ लाइक अ लव एट फर्स्ट साइट वाला सिचुएशन है आप दोनों का. बट ये पर्सन काइंड ऑफ पुराने दिनों को याद करते हैं, पुराने पलों को याद करते हैं, जब आप लोग मिले थे, जब सब कुछ सही था, जब यू नो सिचुएशन सही चल रहा था. वी ऑल्सो हैव द लेटर एफ, वी हैव टॉरस,
डोंट लेट प्राइड टेक कंट्रोल. सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ तो है, कुछ ईगो मैटर्स है, कुछ यू नो लॉयल्टी पे सवाल है, ऑनेस्टी पे सवाल उठा है, कोई गॉसिप है जो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज बना है, ईगो है जो दोनों के बीच में ब्लॉकेज बना है. एंड द लास्ट इज कैप्रिकॉर्न, फॉर्चून इज कमिंग, यू विल बी ब्लेस्ड. सो दिस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग, दिस इज ऑल्सो कन्फर्मेशन यूनिवर्स के तरफ से कि ये कनेक्शन अभी ख़त्म हुआ नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन इफ़ फिलहाल आप लोग फॉल अपार्ट कर रहे हो, इवन इफ़ फिलहाल आप लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हो, बट इस कनेक्शन में बहुत सारी एनर्जीज़ है जो एक्सचेंज होना बाकी है. इस कनेक्शन में कुछ लोगों के लिए कार्मा है जो एक्सचेंज होना बाकी है, कुछ लोगों के लिए लेसन्स है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लाइक बहुत कुछ सीखना, जानना, यू नो कंक्लूड करना बाकी है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी जो अभी भी एक्सचेंज हुआ नहीं है, एनर्जी जो अभी भी रुका हुआ है आप दोनों के बीच में. एंड मूवमेंट आएगा, ज़रूर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बट मैक्सिमम लोगों के लिए आई कैन टेल यू इट्स अ पॉजिटिव एक्शन, इट्स अ पॉजिटिव मूवमेंट. एक बार ये डाउट, एक बार ये गॉसिप क्लियर हो जाए, आई थिंक उसके बाद आप दोनों के लिए इस रिश्ते को हैंडल करना और भी आसान हो जाएगा. अगेन मैं आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ. ओके, सो लेट अस stop here because that is what I have for you, and I hope this will help you out somehow, and take care, God bless you, stay safe, and goodbye.